बोलिए। महोदय उठ करने दीजिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। बोलेंगे, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, स्टेट्यूटरी संस्था है। सर, इस सदन में हमारा और आपका आना और आपका संरक्षण देना सबसे बुनियादी काम है कि संस्था कानून बनाने के लिए, और कानून बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमारा बुनियादी काम है। और यहाँ पर मैंने अब तक जो 4 बार विधायक बना और 12-13 सालों का मेरा अपना तजुर्बा रहा है कि एक कॉमा और फुल स्टेप भी चेंज नहीं होता है जो बिल्कुल पेश किया जाता है। हाँ पक्ष और ना पक्ष, यही दोनों शब्द दोहराए जाते हैं और नतीजा ये होता है कि जल्दबाजी में बनाए गए कानून में एक एक साल में 3-3 बार संशोधन आया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा महोदय कि आप नई परिपाटी को कायम कीजिए और इन मुद्दों पर खुलकर लोगों को बात करने का मौका दीजिए। मैं चूंकि माइनॉरिटी से आता हूं और मदरसा एजुकेशन बोर्ड माइनॉरिटी का इदारा है और संविधान की धारा 30(1) के तहत हमको अपने पसंद के इदारे कायम करने की इजाजत है, और ये सरकार जो सन 1981 का मदरसा एजुकेशन बोर्ड अधिनियम है उसके खिलाफ इस बिल को लेकर आई है। धारा 5 जो गठन की बात करता है, आप अगर इसको पुनर्गठित करना चाहते हैं तो आप उसमें तरमीम लेकर लाएं, लेकिन इसमें धारा 29 है। धारा 29 में आपने जो तब्दीली लाई है महोदय, ये बड़ा आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक ये है कि आप बोर्ड को विघटित कर देते हैं। बोर्ड को विघटित करने का आपको हक नहीं होता, और आप बोर्ड को विघटित करने के बाद आप उसमें अपना एडमिनिस्ट्रेटर बहाल करते हैं धारा 6 के मुताबिक, और वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करेगा? वो एडमिनिस्ट्रेटर हमारे इस इंस्टीट्यूट को भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ने का काम करेगा। और मान्यवर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूट हैं उसको यह हक हासिल होता है कि वो अपने पसंद के इदारे कायम करें, और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि माइनॉरिटी के भाषा और संरक्षण को उपाय दे। महोदय संरक्षण, महोदय महोदय मैं कहता हूं हमारे बनाए गए कानून पर, अरे हमारे बनाए गए कानून पर हमारे गए हमारे महोदय हमारे बनाए अगर अगर हमारे भाषा को मिटा देना चाहते हैं तो हमारी गर्दनों को काट देने का फैसला अगर लोगों ने कर लिया है तो हम कमजोर है, कर सकते हैं आप, लेकिन अगर न्याय स्थापित है, लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र के आप संरक्षण है तो हमारी बातों को सुननी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ सर 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 आप सुन रहे हैं सर, मैं आपका आभारी हूँ सर, मैं आपका आभारी हूँ सर। मैं आपको सर बताना चाह रहा हूँ सर कि सुप्रीम कोर्ट के केस 2014 के केस नंबर 18 सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 1 परमावती एजुकेशन कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो आया है 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जरिए से जो जजमेंट आया है सर, उस जजमेंट में ये कहा गया है कि साहब NCET की पॉलिसी RTE 2009 का मदरसा और माइनॉरिटी स्कूल में चाहे ग्रांट देते हो या ग्रांट नहीं देते हो, आप राइट टू एजुकेशन के तहत नई शिक्षा पॉलिसी को हमारे इदारे में कायम नहीं कर सकते हैं। हम जितना चाहेंगे, हम अपग्रेड करने के मुखालिफ नहीं है, एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड कीजिए। अब तक सरकारों ने कभी भी मदरसा एजुकेशन में साइंस के एजुकेशन के लिए न टीचर बहाल किए, न टीचरों की जगह बनाई, न आपने मकान दिया। आपको कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम आपकी नियत पर शक नहीं करते हैं, लेकिन पिछले दिनों में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया है, इसलिए हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर को आप बर्बाद करना चाहते हैं। चूंकि आर्टिकल 31 जो अकलियतों को अपना तालीमी इदारा कायम करने का देता है, उसमें कंपल्सन नहीं है कि बिहार की नई एजुकेशन पॉलिसी हम पर आप कायम करें। आप एडमिनिस्ट्रेटर बाहर कर लेंगे, वो 5 रुकनी कमेटी बनाएगा कि किस तरह से 2020 के जो एजुकेशन पॉलिसी को नाफिक किया जाएगा, उसमें एक उर्दू का जानकार रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। आप एडमिनिस्ट्रेटर को बहाल करने देना चाहते हैं तो हमारे बोर्ड का होगा क्या? मैं चाहता हूं कि आप धारा 5 में तब्दीली लाए उसके पुनर्गठन के लिए। आपने अपने उद्देश्य में भी कहा है कि हम 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी को लाना चाहते हैं, और आपने प्रस्तावना में भी कहा है कि पुनर्गठित और पुनर्संगठित हम करना चाहते हैं। हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि धारा 19 में कोई तब्दीली नहीं लाए। अगर धारा 19 में तब्दीली लाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, भारत के संविधान 30(1) के तहत खिलाफ है। इसलिए हम ये कहते हैं आपसे, हम जल्दबाजी नहीं करने के लिए कहते हैं, हम एक निवेदन करते हैं कि आप इसे प्रवर समिति में भेज दीजिए और कुछ दिनों के लिए समझने का मौका दीजिए। अगर माइनॉरिटी के हित में काम करते हैं तो माइनॉरिटी के MLAs हैं, माइनॉरिटी की हमारी संस्थाएं हैं, हमारे एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उसके साथ एक बहस कर लीजिए, समझा दीजिए। हम आपकी नियत पर शक नहीं करते हैं, लेकिन हमें समझने का मौका दीजिए। अगर समझने का मौका नहीं देना चाहते हैं अपनी ताकत के बल पर,
अपनी अक्सरियत के बल, मेजोरिटी के बल पर यह कानून पारित करना चाहते हैं, तो इसके माने हैं कि अकलियतों की जबान, कल्चर, उसकी मजहबी तालीम को खत्म करने की नीयत रखते हैं, और ऐसा मैं समझता हूं आप नहीं होने देंगे। ये चंद बातें आपने मेरी सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात आखिर में कहूंगा कि इसमें एक सर आप क्या कर रहे हैं, जब चाहेंगे विघटित कर देंगे, यानी सरकारें जब अलटेंगी, जब पलटेंगी, तो आप तमाम संस्थाओं को भी अलटते पलटते रहेंगे आपके मर्जी के मुताबिक। 3 साल के लिए 5 साल के लिए चेयरमैन हो गया, रहने दीजिए, अलटते पलटने का असर संस्थाओं पर पड़ने मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।